सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से करण ओबेरॉय पर एक आरोप लगा है रेप का, वीडियो बनाने का प्लस ब्लैकमेलिंग का, तो सबसे पहले एज ए फ्रेंड आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये सारा जहाँ तक मैं करण को जानती हूँ, करण बहुत डिसेंट गाय है, बहुत इनोसेंट है वो, बिकॉज इन चीज़ों में उसका कभी चक्कर रहा ही नहीं है। मैं उसको पिछले कुछ 1.5-2 साल से जानती हूँ, मैंने उसके साथ काम किया, उसके इवेंट्स वगैरह स्टाइल करती हूँ मैम, इवन उसके साथ वेब सीरीज एक मैंने शूट की थी। सो दैट्स हाउ आई नो हिम। सो द थिंग इज कि मैंने उसको हमेशा देखा है, और इनफैक्ट मैं मतलब लोगों से जब मैं मिलती थी कि अबाउट करण, कि मेरा अभी अभी जस्ट एक फ्रेंड बना, ही इज माई क्लाइंट एंड ही सो लाइक हम्बल एंड मतलब जो उसमें जो एक डिसिप्लिन लाइफ है, वो अपने डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करता है, फोकस है अपने काम को लेके। कभी उसको मैंने आउटिंग के लिए मैंने उसको कभी पूछा होगा तो आउटिंग के लिए भी नहीं आया वो कभी। इतना डिसेंट गाय है, और कभी मतलब उसका इन चीज़ों में मैंने देखा नहीं है। एंड सेकेंडली, ये जो अभी हुआ है मैटर, मी टू के टाइम पे भी ही वॉज टेलिंग मी समथिंग कि कोई बंदी है जो उसको हरेस कर रही है। उसने मुझे कभी नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया था। आई थिंक दिस इज अक्टूबर की बात है कुछ, जब वो मी टू का मैटर शुरू हुआ था। इनफैक्ट मैं उसको कुछ कॉल कर रही थी अबाउट स्टाइलिंग, बिकॉज हमारा उस वक्त वेब सीरीज ये फ्लोर पे गया था। तो मैंने उसको ट्राई करी थी कि मैं भाई आपको कौन से कपड़े दूँ, क्या करूँ, उस तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, तो ही वॉज रियली डिस्टर्ब। फिर आखिर में उसने मुझे कुछ एक हफ्ते के बाद कॉल किया, ही वॉज लाइक सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाया ना, रिवर्ट कर पाया बिकॉज ऑफ दिस दिस थिंग, कि कोई बंदी है जो मुझे हरेस कर रही। मैंने इनफैक्ट उसको तभी पूछा कि बंदी का नाम बताओ, इनफैक्ट आई कैन हेल्प यू समवेयर, कि कहीं कुछ है लाइक यू नो। तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं करना, इट्स जस्ट की सारी चीजें खत्म हो जाए, ना मुझे सामने वाली को हार्म करना ना कुछ। वो थोड़ी मतलब है, थोड़ी सी मतलब बोलते ना बचपना दिमाग वाला वैसा है। तो इस तरीके से उसने मुझे भी कुछ चीज बताया नहीं, एंड यही तो उसने टॉपिक क्लोज कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद ही वॉज लाइक कि सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी है, एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ, एंड ही वॉज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। ही वॉज बिजी विथ हिज एल्बम शूट एंड ऑल एवरीथिंग। इस तरीके से आई नो करण। तो करण का जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो ब्लेम लगा है वो पूरा फॉल्स है। तो आप करण इस तरीके का है ही नहीं। आप इतने दिनों तक साथ में थी, कभी उनका नेचर ऐसा लगा, या फिर उन्होंने और कुछ शेयर किया आपसे उस लड़की के बारे में कि कब मिले, क्या हुआ, और किस बात का धमकी दे रही थी वो, क्या कुछ? उसने मुझे कभी उस लड़की के बारे में कभी नहीं बताया। इनफैक्ट मुझे नाम भी कल पता चला था, उसने मुझे कभी नाम नहीं बताया। उसने कभी मतलब ऐसा उसको था कि लड़की है ठीक है, बचपन वाला दिमाग है उसका, हमें उसको हार्म करके भी मतलब नहीं है। वो बचपना जैसा करी, उसको जितना भी मतलब ना सॉर्ट कर सके तो कर सकते हैं। तो उसने अपने तरीके से कुछ तो कर दिया था, बट ही वॉज रियली डिस्टर्ब कि जिस तरीके से वो धमकियाँ उस टाइम पे भी शायद दे रही थी उसे, लिटरली उसके फेस पे, उसके काम पे वो इफेक्ट हो रहा था उस वक्त। तो उसने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया, कुछ नहीं था, मतलब ही वॉज वेरी नॉर्मल। जब आपने ये सुना तो फिर आपको कितना शॉकिंग न्यूज लगा ये? क्योंकि हाँ, मुझे मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज मुझे पता है कि करण ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ, उसके पीए ट्रायल के लिए मैं उसके घर जाती थी। एक होता है ना कि पता चलता है, आपको सेंस होता है कि बंदे का नेचर कैसा है। मैं जब भी गई, उसने मुझे एक छोटी बच्ची जैसा ही ट्रीट किया हमेशा। ही वॉज वेरी गुड टू मी, मतलब एकदम प्रोफेशनल, काम के टाइम एकदम प्रोफेशनली ही विल टॉक। इनफैक्ट उसको सेट पे आप देखोगे तो कभी उसका मटर गश्ती नहीं होता है, कुछ नहीं, अपना स्क्रिप्ट लेके बैठा रहेगा एक कोने में, भले मैं जाकर उससे बात करने की कोशिश करूँ, काम होगा सर दिस इज योर चेंज दैट्स इट, इतना ही वो बात करता है, स्क्रिप्ट लेके बैठा रहेगा, अपना नेक्स्ट सीन का तैयारी करता है, कभी कुछ नहीं। कोई उससे मिलने भी नहीं आता है सेट पे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लड़की आए उससे मिलने या कोई उसके फ्रेंड्स आ जाए, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। मैंने उसके साथ पूरा 3 मंथ शूट किया है वेब सीरीज के लिए, और उसका नेचर मैंने इतना देखा कि वो बंदा एक्चुअली हैट्स ऑफ वाला है, जेंटलमैन जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअल जेंटलमैन है।